अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे रोज़े अच्छे जा रहे हैं। अपना सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है? अच्छा जी, तो व्लॉग की तरफ चलते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में अनबॉक्सिंग भी है, अफ्तारी भी है, मेकअप भी है, सब कुछ है। तो जल्दी से व्लॉग की तरफ चलते हैं। ये पार्सल मुझे कल रिसीव हुआ था और अनबॉक्सिंग मैं इसकी आज कर रही हूँ, और हफ्ते के बाद आप लोगों के पास इसकी वीडियो आ रही है, जो कि मैंने लगा कर यूज़ भी कर ली है। बट मैंने अनबॉक्सिंग, मैंने सोचा था मैं आप लोग साथ करूँगी। 1500 की ये 3 pairs लेंस थे। इंस्टाग्राम के जिस पेज से मैंने लिए हैं वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ज़रूर इनके पेज पर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें लेंस में इन्होंने सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ, अच्छा है। एक ग्रे कलर के लेंस थे, HD ग्रे थे और अच्छे लेंस थे, कोई बुरे लेंस नहीं थे। एक्सपायरी डेट इनके ऊपर लिखी हुई थी, और जैसे कि आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं, इन्होंने सारा इंस्ट्रक्शन बताया, ये राइट के हैं, ये लेफ़्ट के हैं। उसके बाद इनकी ये जो है ना कवर कैप भी दिए हुए हैं, और इनका जो सॉल्यूशन है ये भी बहुत अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। ये है ब्लू कलर के, ये हैं इन्फिनिटी ब्लू, HD स्मोकी ब्लू कलर है, बहुत खूबसूरत। अभी तक मैंने वैसे ही लगाया नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं देख रही थी तो अच्छा कलर है। उसके बाद ये है ब्राउन कलर के, बेसिक ब्राउन कलर है, ये भी अच्छा कलर है। ग्रे कलर भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ उन्होंने एक स्टिक दिया है, जिसकी हेल्प से हम लोग लेंस ईजीली कैरी कर अपनी आई बॉल के साथ स्टिक कर सकते हैं, मतलब ईजीली लग सकता है। तो सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टिक बॉल थी, और ये साथ इंस्ट्रक्शन टिप्स, इम्पॉर्टेंट टिप्स के हमें लेंस लगाकर क्या करना चाहिए, आईज़ को रब नहीं करना चाहिए, और मतलब सारी इंपॉर्टेंट टिप्स इन्होंने बताई हुई हैं। उसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी बताया हुआ, सब कुछ लेंस के मतलब बताया हुआ है। तो अच्छे लेंस है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले मैंने एक और इंस्टाग्राम के पेज से यूज़ किए थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और इस सबसे बड़ी बात है कि यार ये रीज़नेबल प्राइस पर मिल रहे हैं, तो आप भी ऑनलाइन मंगवाएं और मज़े करें। जंगलियों की तरह मैंने जो है ना ये ब्यूटी बेस लगाई है। बेस कौन सी यूज़ की है? बेस मैंने यूज़ की है कूल ब्यूटी की बेस है, 25 शेड है, बहुत अच्छा शेड है। अच्छा जी, कट क्रीज बना रही हूँ मैं, साथ साथ जो है ना मैं इंस्टाग्राम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी बना रही हूँ, और साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। मैं दोनों चीज़ें चल रही हैं, अब देखो दोनों में से क्या सही होगा। शेप आ गई है। अच्छा जी, अब मैं जो हूँ ना, आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा ग्लिटर ग्लिटर टाइप का दूँ, तो पहले कंसीलर लगाऊंगी मैं। मिस्ट्रोस का कंसीलर भी अच्छा है, रिवाज का कंसीलर भी अच्छा है। ये है मिस्ट्रोस का कंसीलर है, इसका शेड है 6। फ्लैट ब्रश से जो है ना मैं सारा ब्लेंड कर लूंगी। गोल्डन कलर का ये शेड है, ये लगा रही हूँ मैं आज। अच्छा, आधा मेकअप मेरा हो गया है, अब बारी आती है ब्लश ऑन की। जल्दी से ब्लश ऑन लगा लूँ। पसीना मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पंखा ऑफ किया हुआ है, अगर पंखा ऑन करूंगी तो फिर वीडियो नहीं बनेगी। हाँ
है, काफ़ी ग्लिटर वाला मेकअप हो गया आज बहुत ही अच्छा। ये हुदा ब्यूटी का, हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक है, कौन से शेड है, 07 शेड है इसका, और इसका कलर कुछ रेड है, रेड 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 प्योर रेड है। बहुत हल्की लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी लिपस्टिक जैसे कि लगाई ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना। आया ना नेचुरल लुक। ओके, तो अब बारी आती है लेंस। अच्छा जी, तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे लेंस, और ये कलर भी अच्छा है। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कौन सा कलर है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, और काफ़ी अच्छा लगे मुझे ये कलर। तो चलते हैं अब अफ्तारी की तरफ जी। तो लेंस जो है ना, लेंस बहुत अच्छे हैं, इरिटेट नहीं किए, काफ़ी अच्छे लेंस हैं, अच्छी क्वालिटी है। तो लेंस जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, लिंक पे जाके इनका पेज चेकआउट कर लें। और ये सबसे अच्छी बात है, ईद की सेल लगी है 1500 की, आपको कोई से भी 3 पेयर मिल रहे हैं, तो टाइम वेस्ट मत करें, जाएं और मंगवाएं और मज़े करें। मौसम को देखते हुए फिर आज हमारा दिल किया कि इफ्तारी में आलू के पकौड़े बनाए जाएं, कुछ नए स्टाइल में। तो बस कुछ नए स्टाइल में पकौड़े बन रहे थे घर में, मैंने सोचा इस क्लिप ऐड कर दूँ। तो ये थी मेरी आज की इफ्तारी। मैंने इफ्तारी में क्या बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है जी। लूडो खेलना भी ना एक ट्रिक होती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, और मैं बिस्किट बनी हुई थी इन सब का। मैंने कहा कि यार जो जीतेगा मैं उसका साथ दे दूँगी, कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो ऑनलाइन लूडो खेलने में और रियल वाली लूडो खेलने में ना बड़ा फ़र्क है वैसे, लेकिन बहरहाल टाइम इसी तरह गुजर जाता है, अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जी। जी कैसा लगा आज का व्लॉग आप लोगों को? मुझे उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा, है ना भाई? मुझे बोलने दे। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मरीना को दें इजाज़त, और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।